वो कुत्ते की मौत मरेगा। जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। जिसको प्यारा पाकिस्तान उसको भेजो कब्रिस्तान। जिसको प्यारा पाकिस्तान उसको भेजो कब्रिस्तान। अरे जिस हिंदू का खून न खाने खून नहीं वो पानी है। पिछले एक दो महीने से शहर में घट रही घटनाओं और यादव मंडी में हुए घरों पर हुए हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की गई। इस अवसर पर यादव महासभा के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में सैकड़ों यादव जन प्रदर्शन में शामिल हुए और यादव महासभा की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सत्यनारायण पाटीदार ने कहा कि यादव मोहल्ले में घटना घटित हुई है वह निंदनीय है। ऐसी घटना के आरोपियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। इस अवसर पर जिला सहमंत्री अनुपाल सिंह झाला, लक्ष्मण राठौर, जिला संयोजक टीमू खुआन, कैलाश मालवीय, कपिल बैरागी, बबलू किलोरिया सहित बड़ी संख्या में विहिप कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा ये 26 तारीख की जो घटना है, जिहादी मानसिकता रखने वाले मुस्लिम गुंडे जिन्होंने यादव मंडी के हिंदू परिवारों के ऊपर रात को जब वो घर पे सो रहे थे टीवी देख रहे थे तब उन्होंने पथराव किया और नंगी नंगी गालियां बकी। और जब इसकी कार्रवाई के लिए ये परिवार इकट्ठे होकर थाने में गए तो थाने में इनके ऊपर जब कार्रवाई हुई तो दूसरे दिन इनके जो नेता हैं वो इकट्ठे हुए और थाने के बाहर नारेबाजी करी, भारत विरोधी नारे लगाए और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि किसी प्रकार की हमारे ऊपर कार्रवाई न हो और सामने वाले जो फरियादी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और जो पत्रकार बंधु है, जो अखबार प्रिंट मीडिया है, वह उन्होंने भी खबर निष्पक्ष छापने का प्रयास किया और खबर निष्पक्ष छापी, फिर भी उनके ऊपर भी उन्होंने दबाव बनाया। और हमारी प्रशासन से यही मांग है कि ये जो जिहादी मानसिकता वाले गुंडे हैं, जो आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, इनके आका कौन है, उन सभी पर कार्रवाई की जाए, कानून का डंडा चलाया जाए और जो दोषी हैं उन पर रासुका की धारा लगाई जाए। और अगर प्रशासन इस प्रकार की कार्रवाई करने में थोड़ा अक्षम रहता है तो वह लिखित में बजरंग दल को आदेश दे कि ऐसे गुंडों को ठिकाने ठीक करने का काम भी बजरंग दल कर सकता है।